Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE Fastlane 2021 के बारे में, जो था WrestleMania 37 के पहले आखिरी पेपर वो, और इसके पूरे रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले ही मैच के बारे में बात करते हैं, वो था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियन मैट ब्रिडल एंड चैलेंजर मुस्तफ़ा अली। और गाइज, ये मैच में मैट ब्रिडल ने मुस्तफ़ा अली को हरा दिया। लेकिन गाइज, इधर ये सीन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये मैच के बाद रेट्रीब्यूशन ने मुस्तफ़ा अली को अटैक किया। यानी गाइज, WWE ने रेट्रीब्यूशन टीम ऑफिशियली खत्म कर दी है। फिर गाइज, इसके बाद हमको मेन शो पे पहला ही मैच दिखता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियंस नाया जैक एंड शैना बेज़लर वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स एंड बियांका बेलर। और गाइज, ये मैच में नाया जैक एंड शैना बेज़लर ने बियांका बेलर और साशा बैंक्स को हरा दिया। और गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमको ये मैच के बाद एक बड़ा सेगमेंट दिखने वाला है बिटवीन बियांका बेलर एंड साशा बैंक्स। और गाइज, साशा बैंक्स ने बियांका बेलर को ये मैच के बाद स्लैप किया और वो रिंग छोड़ कर चले जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं गाइस, वो था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियन बीगी एंड चैलेंजर अपोलो क्रूज। और गाइस, ये मैच में बीगी ने अपोलो क्रूज को हरा दिया। लेकिन गाइस, सीन यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है गाइस। मैच के बाद अपोलो क्रूज ने बीगी को बहुत गंदी तरीके से मारा और वो रिंग छोड़ के चले जाते हैं। फिर गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच होता है अगेंस्ट अलायंस। गाइस, ये इवेंट के पहले अनाउंस किया था कि शेन मैकमैन अभी इंजर है, जिसकी वजह से शेन मैकमैन को रिप्लेस करते हैं अलायंस। और गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन को तो हारने का यहाँ पे था ही नहीं, तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अलायंस को हरा दिया। फिर गाइस, नेक्स्ट मैच आता है बिटवीन द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस एंड शिंजुकी नाकामुरा। गाइस, ये मैच बहुत ही अच्छा था। और इस एंडिंग में सेथ रॉलिंस ने शिंजुकी नाकामुरा को एक कर्व स्टॉर्म से हरा दिया और वो मैच जीत जाते हैं। बिकॉज नेक्स्ट मैच के अंदर बात करते हैं बिटवीन ड्रू मैकइंटायर एंड शेमस इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच। और इस ये मैच में ड्रू मैकइंटायर ने शेमस को एक क्लेमोर किक लगा के पिनफॉल के द्वारा हरा दिया। फिर गाइस, हम लोग बात करते हैं शो के मेन हाईलाइट के बारे में गाइस, वो था एलेक्सा ब्लिस एंड रैंडी ऑर्टन का इंटरजेंडर मैच। गाइस, जैसे ही इनका मैच स्टार्ट होता है, एलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन से हारने लगती है और वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर बीच बीच में फायर भी फेंकने लगती है। फिर गाइस, हम लोग क्या देखते हैं कि एलेक्सा ब्लिस जाके एक जगह में बैठ जाती है रिंग के ऊपर। तभी रैंडी ऑर्टन को फॉलो करते हैं गाइस, तभी रिंग के नीचे से होता है द फीन्ड का रिटर्न। गाइस, द फीन्ड ने रैंडी ऑर्टन को पकड़ा, सिस्टर एबिगेल लगाया और फिर गाइस एलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन के ऊपर बैठती है और गाइस रेफरी काउंट करता है 1, 2, 3 और एलेक्सा ब्लिस ने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन को पिनफॉल के द्वारा हरा दिया। और गाइस द फीन्ड ने भी उनका रिटर्न कर दिया है ये पेपर वो में। फिर आता है शो का मेन इवेंट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस एंड चैलेंजर डैनियल ब्रायन विद एज एज अ स्पेशल एंड फोर्सर। गाइस, ये मैच में हम लोग क्या देखते हैं गाइस, एंडिंग में डैनियल ब्रायन गलती से रेफरी को ही रनिंग नी लगा देते हैं। फिर गाइस, रोमन रेंस मौके का फायदा उठा के डैनियल ब्रायन को स्पीयर लगाते हैं, लेकिन कोई रेफरी नहीं होता काउंट करने के लिए। फिर तभी एज काउंट करने को जाते हैं, तभी डैनियल ब्रायन 2 पे किक आउट करते हैं। फिर गाइस, जे उसो आते हैं और एज को सुपर किक लगाते हैं। फिर वो जैसे ही डैनियल ब्रायन को अटैक करने के, डैनियल ब्रायन ने उनको रनिंग नहीं लगाया। फिर डैनियल ब्रायन ने स्टील चेयर लिया और जे उसो को मारने लग जाते हैं। फिर गाइस, डैनियल ब्रायन भी मौके का फायदा उठाने को देखते हैं और वो रोमन रेंस को स्टील चेयर से मारने को देखते हैं। लेकिन गाइस, हम लोग तभी क्या देखते हैं, रोमन रेंस बाजू में हट जाते हैं और वो स्टील चेयर डायरेक्ट जाके एज को लगती है। फिर गाइस, रोमन रेंस ने वापस मौके का फायदा उठा और उन्होंने डैनियल ब्रायन को सुपरमैन पंच लगाया। लेकिन गाइस, फिर डैनियल ब्रायन ने ट्विस्ट करके रोमन रेंस को यस लॉक में लॉक कर दिया। और गाइस, हम लोग क्या देखते हैं कि रोमन रेंस ने टैप आउट कर दिया। लेकिन गाइस, ये टैप आउट ना एज ने देखा ना रेफरी ने देखा, इसलिए गाइस ये मैच फिर भी चालू था। बिकॉज एज ने डैनियल ब्रायन को स्टील चेयर से अटैक किया और उन्हें रोमन रेंस को भी मारा और वो रिंग छोड़ के चले जाते हैं। और गाइस, रोमन रेंस ने वापस मौके का फायदा उठा और उन्होंने डैनियल ब्रायन को पिन किया 1, 2, 3 एंड स्टिल द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। गाइस, ये मैच से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है और ये मैच ने बहुत डिलीवर किया है। और गाइस, हमको इस मैच के बिस्में पता चलेगा कि क्या हमको रेसलमेनिया 37 में एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखने वाला है बिटवीन एज डैनियल ब्रायन एंड चैंपियन रोमन रेंस फॉर ए यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 37। और गाइस, अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।